हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश की पाठशाला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉस्टली और एक्सपेंसिव में क्या डिफरेंस होता है। जनरली हम इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें ज़रूर डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपको भी पता होना ही चाहिए ताकि आप जब उनको यूज़ करें उनको प्रॉपर सही ढंग से और जही सही उचित स्थान पर ही उनका यूज़ कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि कॉस्टली और एक्सपेंसिव में क्या फ़र्क है। देखिए, कॉस्टली रेफर्स टू दोज थिंग्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर देयर क्वालिटी। जैसे बाज़ार में आपने कोई चीज़ देखी, उस चीज़ को देखते ही आपको ये लग गया कि इसकी जो कॉस्ट है ये एक्चुअल में इसकी जो क्वालिटी है इससे बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी कीमत, उसकी प्राइस जो है उसकी क्वालिटी से मैच नहीं करती है, तो आप उसको कॉस्टली कह सकते हैं। जैसे दिस मोबाइल फ़ोन इज़ कॉस्टली, इट डज़ नॉट हैव इवन प्रॉपर कैमरा। अब उस मोबाइल फ़ोन में प्रॉपर कैमरा भी ना हो और फिर भी उसकी प्राइस ज़्यादा हो तो हम उसे कॉस्टली कहते हैं। अब देखिए इसके आगे एक्सपेंसिव क्या होता है। तो एक्सपेंसिव रेफर्स टू दोज थिंग्स विच वी कैन नॉट अफोर्ड। किसी चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अफोर्ड ना कर पाएँ तो उसे हम एक्सपेंसिव कहते हैं। दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जिस चीज़ को आप अफोर्ड ना कर पाएँ वो है आपके लिए एक्सपेंसिव, और जिस चीज़ की क्वालिटी और उसकी प्राइस मैच ना हो, प्राइस बहुत ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की ना हो, तो उसे हम फिर बोलते हैं कॉस्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।